यार ये वाला जूता ना ऐसे देखने में कुछ छोटा सा लग रहा है और ये वाला बड़ा सा लग रहा है। देखने में क्या ये जूता टाइट भी है यार, बहुत टाइट हो रहा है। मैं तो इन्हें वापस करने के चक्कर में था, लेकिन फिर मैं पहन गया ना कल मार्केट तो ये हो गए गंदे। मैंने सोची, मैंने कहा चल अब क्या ही वापस जाएंगे, छोड़ो। ये तो रखी अपनी बुक्स, मैं अभी आके बैठा हूँ जस्ट, और देख देख रहे धूप कितनी भयंकर निकल रही है, बहुत बिकट धूप हो रही है यार। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो क्या हाल है सबके, आई होप सब बढ़िया हो। अभी बज गए हैं 12, वैसे गुड आफ्टरनून तो ना हुआ, दोपहर ही हुआ, तो मुझे गुड नून बोलनी चाहिए थी, सॉरी फॉर दैट। तो गुड नून व्लॉग आ गया था 11 बजे, अगर अब तक नहीं देखा तो देखो। मतलब इस व्लॉग में पता है मेरे से क्या गलती हुई है, मतलब क्या भयंकर गलती हुई है मेरे से इस व्लॉग में। जहाँ मतलब म्यूज़िक डाउन करना था ना, वो म्यूज़िक ऊपर हो गया, क्या यार। जल्दी जल्दी में ना आज ऐसे, मतलब कल वाला व्लॉग आज ही एडिट करके सुबह जल्दी से एकदम से डाल दिया था, तो उसमें मुझे ध्यान ही ना था फाइनल चेक करने का, और वो मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया। उसमें कई कई जगह ना ज़्यादा म्यूज़िक हो रहा, ओवर म्यूज़िक हो रहा, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा। एक तो चैनल वैसे ही नहीं चल रहा, ऊपर से हम गलती करते रहे, हमारी गलतियों की वजह से नहीं चल रहा चैनल। चलो कोई बात नहीं, हवा भी भयंकर चल रही है, धूप भी भयंकर निकल रही है, एकदम चिलचिलाती धूप है। जरा जैसे होली वाला दिन मौसम रहता ना ऐसे, मतलब गर्मी वाला और हल्की हवा चलती रहती है, लेकिन हवा तो खैर बहुत तेज़ है, हवा और गर्मी दोनों ही बहुत तेज़ है। होली वाले दिन हल्की गर्मी रहती है, हवा कम चलती है वैसे, लेकिन क्या पता, कुछ ऐसे कह नहीं सकते क्या कब होता है। यहाँ आ रही थोड़ी ठंड, तो यहीं 4-5 लाख डालूंगा इस दीवार के बराबर में। वहाँ तो मतलब ऐसा लग रहा है भाई, अभी 5 मिनट भी नहीं होंगे बैठे हुए और इतनी भयंकर गर्मी लगने लगी ना, जैसे चूटी सी काट रही है, जैसे कोई सुई चुभा रहा हो, इसको निकालना पड़ेगा, गर्मी लग रही है इसमें। पता नहीं क्या हो रहा, 2 दिन से मुझे एसिडिटी बन रही है, मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं एसिडिटी बन जाए यार, पता नहीं क्या दिक्कत है। इनो लेना पड़ेगा या फिर एसिडिटी की दवाई लेनी पड़ेगी, मुझे लग रहा मेरे लीवर में कुछ दिक्कत आ गई है, चेक कराते हैं इसे। दिक्कत छोटी हो तुरंत उसका बड़ी होने का इंतज़ार मत करो, चेक करा लो। ये रेता मंगाया था, इस रेते का भी नुकसान हो गया, हवा से सारा इधर को उड़ रहा है, और नीचे वो तो मैंने पन्नी डाल दी थी, मैंने कहा था, मैंने कहा भाई पन्नी पे फैलेगी पूरा ऐसे रेते को, लेकिन आदमी ने आधा नीचे डाल दिया। अभी ये वाली मिट्टी और ये रेता यहाँ मिक्स हो गया, और ये इधर वाला तो नीचे का किसी काम का ही नहीं है, पन्नी है वैसे यहाँ तक पन्नी है, इतना रेता ख़राब हो जाएगा ये, शिट नुकसान हो गया यार। सुबह जो मंगवाया था वो वहाँ डलवा दिया है, ठीक है, अब वहीं डलवाया करेंगे यार, ऐसे आगे से जगह बहुत बड़ी है यार, इधर डलवाया करेंगे सारा सामान जो भी है, सब इधर यहाँ से, और मसाला वगैरह यहाँ बन जाया करेगा। और कुछ दिन जा रहे हैं, बस शुरू होने वाला है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। फिर एक दिन यहाँ पे पूरा घर बन जाएगा, फिर दिखाएंगे आपको बढ़िया से प्लाट पे से। और मुझे लगी थी भूख, तो देख लो आज खाने में क्या है, साग है और जी तुम्हारी रोटी बगड़ गई, इधर गुड़ इधर दूध, ये तो मतलब बाद में पीने के लिए है, बगड़ गई रोटी, जानते हो गए मैंने बताया अभी था ब्लॉग में, चावल के आटे की रोटी, अरे इधर चने का साग, मज़ा आ जाएगा भाई, रुक जाओ पहले भूख लग रही है खा लूँ। गाइस हवा देख रहे हो, आवाज़ आ रही है तुम्हें हवा की, क्या खतरनाक हवा चल रही है। अभी शाम के टाइम में थोड़ी बंद हो गई थी, बट अभी 9 बज रहे हैं रात के, और मस्त हवा चल रही है, मतलब इतनी ऐसी ठंड नहीं है कि यहाँ भी पागल हो जाएगा आदमी, बट ऐसा लग रहा होली का मौसम आ गया, पाई गया बस जी। अभी लेक्चर लेकर आता हूँ जस्ट, ठीक है, तो अभी भी करेंगे रिवीजन, जो आज पढ़ा है ना उसे थोड़ा सा रिवाइज भी कर लें, वरना सिर के पार हो जाता है सुबह तक, वो पीछे पैंट टंग रही है उसे इग्नोर कर देना, ठीक है, वाइड एंगल में दिख रही होगी साफ, तो बात कुछ ऐसी है। अभी और पढ़ाई करते हैं 1-2 घंटे, उसके बाद सो जाएंगे। व्लॉग में छोटे छोटे बना रहा हूँ आजकल, क्योंकि भाई कॉन्टेंट समझ रहे हो ना तुम, भाई की दिक्कत अपने, ठीक है, तो व्लॉग को करेंगे अब यहीं पर एंड, और खुश रहो मस्त रहो, काम करो नाम करो, और जो होगा देखा जाएगा, बस मजे लेते रहो, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है तुम एंटरटेन करने के लिए, जो भी थोड़ा बहुत जैसे भी हो पाता अपन करेंगे, रोज 11 बजे सुबह, ठीक है।